जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इंडियन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज कोई बहुत सुंदर नई योजना अथवा नया काम शुरू कर सकते हैं। और आप यदि मूंगा नामक रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको इस समय 2023 में रोजाना जो दैनिक जन्म राशि फल बताते हैं, लेकिन उनके जो बृहस्पति हैं वह बार में चल रहे हैं, इसलिए आप भगवान नारायण की आराधना करें अथवा पुखराज नामक रत्न धारण करें। और स्वग्रह राशि के माध्यम से यदि रत्न पहनना है तो फिर आप उपल या हीरा ही पहने। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन भाग का उदय, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपका आज के दिन स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, सभी लोगों से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन नए पद की पद पर प्रतिष्ठित है नए पद की प्राप्ति हो सकती है, अथवा आप किसी भी व्यापार में हाथ डालते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव भरा हुआ रह सकता है एवं अटके हुए काम भी हो सकते हैं। सातवीं राशि तुला। मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, मित्रों से घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहने के भी योग बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भूमि जैसे काम में आप हाथ डालते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन मशीनरी, फैक्ट्री, बाग बगीचे, उद्यान जैसे कार्यों का व्यापार यदि आज प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम कारक रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के लिए अब लोहे से संबंधित ट्रक अथवा जेसीबी इत्यादि जैसे कार्यों को आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन कृषि जैसे कार्यों में सफलताएं प्राप्त होगी जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेंगे। घर से परिवार मित्रों से अच्छे संबंध रहने के भी योग बन रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ पिता अम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी।